हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आप दोनों सेपरेशन में क्यों हैं। आप दोनों की करंट एनर्जी भी देखेंगे। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है। हमारा फर्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ वैंड्स, हमारा सेकेंड कार्ड है डेथ, नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड, नेक्स्ट इज जस्टिस, हमारा लास्ट कार्ड है नाइन ऑफ वैंड्स। सबसे पहले तो हमारे जो व्यूवर्स इस सेपरेशन से, इस दुख से, इस दर्द से गुजर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, जब कभी भी अधिकतर लोग जिसे प्यार समझ लेते हैं, एक्चुअल में वो प्यार होता ही नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है एक दूसरे के लिए। जो फीलिंग्स होती हैं उसे हम प्यार का नाम दे देते हैं, जो आगे चल के धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, वो अट्रैक्शन ख़त्म होने लगता है, तो हमें लगता है कि प्यार ख़त्म होने लग गया है, प्यार ख़त्म हो गया है। असल में ऐसा होता नहीं है। जब कभी भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत ही पैशन होता है, एक दूसरे को जानने की ख्वाहिश होती है, उसके साथ घूमना फिरना, इंजॉय करना, उसके साथ सेलिब्रेट करना, ये सारी चीज़ें ये हमें बहुत अच्छी लगती हैं। उससे बातें करना, उसको देखते रहना, ये सारे ही मोमेंट जब हम उस इंसान के साथ जीते हैं तो हमें लगता है कि ये सब प्यार है। जबकि एक दूसरे की ज़रूरत होती है, वो एक दूसरे को जानने की ख्वाहिश होती है, जिसे हम प्यार का नाम दे देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पर्सन को तो सच में ट्रू लव हो जाता है और दूसरा पर्सन मूव ऑन कर जाता है, जिसे सिर्फ अट्रैक्शन था। देखिए यहाँ पर कार्ड्स भी कुछ ऐसे ही निकल कर आए हैं। नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो हमें बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। यहाँ पर फाइव ऑफ वैंड्स है जो, जिसको देख कर मैं कह सकती हूँ कि आपकी ये दिल और दिमाग में फाइट चल रही है। यहाँ हमारे पास डेथ का कार्ड भी है, जिसे देख कर आप समझ ही गए होंगे कि आपकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज होना था और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग करेंगे आप न्यू पार्टनर के साथ। वो आपकी दुनिया होगा, वो आपको अपनी दुनिया समझेगा, कभी भी वो आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। जब भी आपकी लाइफ में एक सही पर्सन आता है ना, तो कभी भी आपको दुख नहीं देता, तकलीफ़ नहीं देता, आपकी आंखों में आंसू नहीं देता। व्यूअर्स, यहाँ जस्टिस का कार्ड भी है, गॉड आपके साथ जस्टिस करेंगे, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो जो जब भी कभी आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर आएगा, वो आपकी दुनिया होगा, वो आपको अपनी दुनिया समझेगा और वो आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा। इसीलिए इस रिश्ते का एंड हुआ है, क्योंकि एक न्यू अबंडेंस आपकी लाइफ में आनी है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आनी हैं, आपको गॉड बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में ये सब कुछ हुआ है, जो दर्द जो दुख आपको मिला था, वो दुख और दर्द बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर आप इस दुख से, इस दर्द से ख़ुद को निकालने की कोशिश करेंगे, तो डेफ़िनेटली आप निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो हमारा फर्स्ट कार्ड है सेलिब्रेशन, सेकंड कार्ड है प्रोजेक्शंस, हमारा नेक्स्ट कार्ड है गोइंग विद द फ्लो, एंड नेक्स्ट है सॉरो, मोमेंट टू मोमेंट, हमारा लास्ट कार्ड है ट्रस्ट। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि उनके लाइफ में सेलिब्रेशन चल रहा है और वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, न्यू ईयर मना रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्शन आया है, तो वो कभी कभी आपको देख लेते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ हमारे पास गोइंग विद द फ्लो आया है, तो उन्होंने सारी ही सिचुएशंस को बहुत ही ईजीली हैंडल कर लिया है, उन्होंने अपने मन को, अपने दिल को समझा लिया है कि ये रिश्ता और आगे तक नहीं बढ़ सकता। ऐसा नहीं है कि उनको दुख नहीं है या वो, उनको आपके दुख का एहसास नहीं है। मुझे लगता है कि उनको दुख का एहसास है कि आप दुखी हैं, और वो उन मोमेंट्स को, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद भी कर रहे हैं। यहाँ मोमेंट टू मोमेंट आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को पूरा विश्वास है, ट्रस्ट है आप पर, कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, और कभी भी जब भी वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहेंगे, वो ईज़िली आ पाएंगे और आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे।
इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं, आपसे दूर चले गए हैं। और वो ख़ुद तो भुलाना चाहते हैं आपको, बट आपसे नहीं चाहते कि आप उनको भुलाएं। तो चलिए आपके लिए एंजल्स आंसर देखते हैं कि क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। हमारे पास आया है पीसफुल रेजोल्यूशन। तो मुझे लगता है कि आपको अपने माइंड को थोड़ा शांत करने की ज़रूरत है। हमारा नेक्स्ट है लुक फॉर अ साइन। तो डेफिनेटली आपको कुछ साइंस मिल रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट कार्ड है अनलाइकली। तो मुझे लगता है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। हेल्पफुल पीपल, तो आप कुछ लोगों की हेल्प ले सकते हैं। जो भी साइंस आपको मिल रहे हैं उनको देखें, लाइटली ना लें। उनको देखें कि एंजल्स आपको क्या दिखाना चाहते हैं। जो पर्सन आपके लिए सही नहीं है वो आपकी लाइफ से जा चुका है, तो वो दोबारा तभी आएगा जब वो आना चाहेगा। आपके सोचते रहने से, स्ट्रेस लेने से, रोने से तो वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी इंसान तब तक उस इंसान के साथ रहना चाहता है जब तक उसको खुशी मिलती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम दुखी होंगे तो दुख को अट्रैक्ट करेंगे और खुश होंगे तो खुशी को। कभी आप ऐसी जगह पर गए हैं जहाँ इको साउंड सुनाई देता है, जैसे कि वैली घाटियाँ होती हैं ना, कभी पहाड़ी इलाकों में होती हैं, वहाँ अगर आप आवाज़ लगाएंगे आई लव यू तो इको साउंड वापस आएगा आई लव यू, और अगर आप बोलेंगे आई हेट यू तो वही इको साउंड वापस आता है आई हेट यू। इसी तरह हम जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं वही चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं। चलिए व्यूअर्स, अब हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि क्या आती है। हमारे पास आया है कॉन्शियसनेस, आप में जागरूकता आ रही है। नेक्स्ट कार्ड है द माइजर। तो आप कंजूस हो रहे हैं, मुझे लगता है कि अब आप आज से रोना छोड़ देंगे। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है इनोसेंस। तो मुझे लगता है व्यूअर्स आप बहुत ही मासूम हैं, बहुत ही भोले हैं, आपको अब जागरूक हो रहे हैं, आप में जागरूकता आ रही है, आप में कॉन्शियसनेस आ रही है, आप अवेयर हो रहे हैं। और ये जो आपको भ्रम था ना कि आप किसी के बिना नहीं रह सकते, उसके बिना मर जाएंगे, तो वो उस भ्रम से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, अब आप चीज़ों को समझने लग गए हैं। आई होप कि आपको कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।